हे हाय, दिस इज अर्षित एंड वेलकम टू एटी क्लासेस। आज मैं पूछूंगा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर। ये मुंबई यूनिवर्सिटी में 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर भी पूछते हैं। सो मैंने वो पेज पे बता दिया, ये मैं बता रहा हूँ। सो ये क्या होता है, समझो आप एक पॉइंट ले लो, ओके। सो ये ऐसा बोलता है कि ये पॉइंट के अराउंड कितना वैक्टर फील्ड निकल रहा है इन अ गिवन वॉल्यूम इन अ गिवन टाइम। तो क्या है, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब बाहर कितना निकल रहा है, कन्वर्जिंग मतलब अंदर कितना आ रहा है, मतलब टोटल कितना बाहर निकल रहा है अंदर आ रहा है फ्रॉम अ यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड अराउंड दैट पॉइंट। ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ वैक्टर। तो मैंने वही लिखा है, हाउ मच वैक्टर फील्ड कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट एट अ गिवन पॉइंट इन द वॉल्यूम एलिमेंट पर सेकेंड। फाइन, अब क्या डाइवर्जेंस ऑफ अ वैक्टर एट अ गिवन पॉइंट इन अ वैक्टर, इट इज स्केलर। ये स्केलर है, मतलब क्या बोल रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर एट अ गिवन पॉइंट, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर एट अ गिवन पॉइंट इन अ वेक्टर फील्ड इज स्केलर। मतलब ये स्केलर है और ये क्या क्या डाइवर्जेंस, अभी ये डाइवर्जेंस क्या है, या तो देखो, या तो डाइवर्जेंस दो टाइप के होंगे, या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो होगा। तीन केस हो सकते हैं बेसिकली, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है। सो पॉजिटिव मतलब क्या, जो बाहर निकल रहे, ओके। नेगेटिव मतलब जो अंदर आ रहे, और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये दोनों क्या होगा कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो वही मैंने लिखा है, देखो ये पॉजिटिव का केस है, ये नेगेटिव का केस है। पॉजिटिव में क्या है, जो एक्स वाई जेड है, जो इसके फंक्शंस है, जो ये पॉइंट के मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, वो पॉजिटिव होगा तो इट इज ग्रेटर देन जीरो। इसमें क्या लिखा है, एक्स वाई जेड इज लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव हो गया। और क्या लिखा है, द रेट एट विच फील्ड लाइन्स आर एंटरिंग इन टू द स्मॉल वॉल्यूम सराउंडिंग द पॉइंट, एंटरिंग द रेट एट विच दीज आर लिविंग। तो कितना एंटर हो रहा है, कितना बाहर निकल रहा है, अगर वो दोनों सेम है, अगर चार एंटर हो रहा है, चार बाहर निकल रहा है, वो सेम है तो जीरो हो जाएगा। तो क्या है, दैट इज डेल्टा ऑपरेटर इनटू ए, पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। अभी आपको पता है ए है फंक्शन है, वो एक्स वाई जेड का है, तो ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ये मैंने लिखा है। फिर डेल्टा ऑपरेशन, डेल्टा ऑपरेटर कैरेस्टन फॉर्म में क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू आई जे इंटू डी बाई डी वाई प्लस जेड इंटू डी बाई डी जेड। तो अभी हम इसको अगर दोनों को ये करेंगे, इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे, उसका क्या आएगा, डी इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस डी इंटू डी ए बाई डी वाई प्लस डी इंटू डी जेड बाई ए जेड। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एटी क्लासेस। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आप ये पूरा सेम टू सेम आंसर एग्जाम में लिख सकते हो, आपको इसका फुल मार्क्स मिलेगा। सो आप ये कॉपी कर लो वीडियो पॉज करके, एंड इफ आपको और कोई वीडियो चाहिए रहेगा तो प्लीज कमेंट कर दो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एटी क्लासेस एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।